Welcome back, students. Today we will discuss about the very important topic of bio, that is the Human Genome Project. Human Genome जो project है ये plus two biology से शुरू हो जाता है और आगे तक काफ़ी ये important topic है, higher classes में भी ये आता है. तो इसको short में HGP कहते हैं. First अगर हम इसकी introduction देखें तो इसको start किया गया था late 1980s में और प्रोवाइडेड ए मेजर बूस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए ये बनाया गया था. और ये इंटरनेशनल था, कोलैबोरेटिव, काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट साथ में थे और इसका पर्पस यही था भी मैपिंग करनी है जीन्स की और अंडरस्टैंड करना है हर एक जीन का फंक्शन ह्यूमन बॉडी में. सो इट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस एंड USA डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. एडिशनल कंट्रीब्यूटर यूनिवर्सिटीज ऑफ USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड चाइना, यानी फेमस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव सपोर्टेड इट. एंड दिस वॉज स्टार्टेड इन 1990 एंड इट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003, दैट इज़ अ 2 ईयर अहेड ऑफ इट्स ओरिजिनल शेड्यूल. यानी इसको ख़त्म होने में 2 साल ज़्यादा लग गए थे. और बाकी अगर इसके गोल की बात करूं, क्या इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन DNA बेस पेयर डैट मेकअप अबाउट ह्यूमन जीनोम एंड फाइंड ऑल द एस्टिमेटेड 20,000 to 25,000 ह्यूमन जीन. यू नो वेरी वेल टर्म जीनोम. जीनोम मीन्स द टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन हैप्लॉइड सेल, दैट इज इन द गैमेट, दैट इज द जीनोम. सो एक सेल में अप्रॉक्सीमेट 20,000 तक जीन होते हैं और उसमें 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं. उसको स्टडी करना और उसका फंक्शन टू अंडरस्टैंड द जीनोम ऑफ द सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी ऑर्गेनिज्म जिससे हमें फ़ायदा होता है, जैसे फ्रूट फ्लाई हो गया या माउस जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जेनेटिक्स के, उसके जीन्स भी स्टडी की हैं इसमें. टू डिवेल्प न्यू टूल, उससे नवे टूल भी हमने डिवेल्प करने हैं जिससे डाटा एनालाइज हो सके और इंफॉर्मेशन वाइडली वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो, ये इसके गोल थे. नेक्स्ट इसका है टू एक्सप्लोर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ जीनोमिक रिसर्च थ्रू इट्स इथिकल, लीगल, सोशल इम्प्लीकेशंस. और इसका एक सोशल इम्पैक्ट का इसका एसोसिएशन है ELSI, उसके ऊपर भी ये स्टडी कर रहे हैं. यानी जो जीनोम प्रोजेक्ट है इसको ह्यूमन के वेलफेयर में ही यूज़ करना है, इसमें इथिकल इशू जो है उनको भी ध्यान में रखा गया है. इसका वर्क स्कोप क्या है काम करने का, जनरेटेड ए हाई क्वालिटी सीक्वेंस एसेंशियली द इंटायर ह्यूमन जीनोम, पूरा स्टडी करना. आल्सो आइडेंटिफाइड द लोकेशन ऑफ मैनी ह्यूमन जीन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. एंड इन एडिशन टू ह्यूमन जीनोम अदर ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल हैं उसके ऊपर काम करना, जैसे बियर, जीस्ट है, राउंड वर्म एंड फ्रूट फ्लाई. और इसका जो ELSI जो है इथिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशन, इसका काफ़ी इसको ध्यान में रखा गया है कि ह्यूमैनिटी को, सोसाइटी को बैड इफेक्ट ना जाए. पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके क्या पड़े हैं, इसके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन जीन्स का पता चला है, इनहेरिटेंस और म्यूटेशन के बारे में पता चला है, और जीन कौन सी प्रोटीन बनाते हैं और इसकी नॉलेज हमें मिली है, और मेजर फील्ड जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं, लाइफ साइंसेस के, इसमें इसका यूज़ होता है. एंड इट लोड द रिसर्चर्स टू बिगिन टू अंडरस्टैंड ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग ए पर्सन. कोई पर्सन किससे बनता है, जीन क्या क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में और बाद में, ये सारा इससे पता चला है. टूल क्रिएटेड इन HGP कंटिन्यू टू इंफॉर्म एफर्ट कैरेक्टराइज द इंटायर जीनोम ऑफ द सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, जिसका हमें पता चला है, जैसे माइस का, फ्रूट फ्लाई, फ्लैटवर्म. और इससे हमें यह भी पता चला कि क्रोमोसोम के ही सिमिलर होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, उसको कहते हैं होमोलोगस होमियोबॉक्स जीन. ये भी हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ही पता चला है. बाय स्टडिंग द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन जीन्स एंड दोज अदर ऑर्गेनिज्म सोर्सेज कैन डिस्कवर द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर जीन एंड आइडेंटिफाई विच जीन आर क्रिटिकल फॉर लाइफ. पर्टिकुलर कोई वेरी इंपॉर्टेंट जीन्स हैं उनका भी पता चला है जो लाइफ सेविंग है. इस प्रोजेक्ट में ELSI है जो प्रोग्राम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायो इथिकल प्रोग्राम बना है और इसको
और भी कई इथिकल प्रोग्राम्स हैं। ये जो जीनोम प्रोजेक्ट का ELSI है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों को प्रिडिक्ट करना, उसको रोकने के लिए मेडिसन्स बनी हैं जो लाइफस्टाइल चेंज कर रही हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। इसका जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके जीन्स का स्टडी करके पता चला है, और काफ़ी डिटेल में मेडिसिन को इम्प्रूव करने के लिए, और ये मेडिसिन जेनेटिक लेवल तक भी काम करती हैं, ऐसी मेडिसिन बन गई हैं। एक्यूरेट डायग्नोसिस, डायग्नोसिस गलत ना हो, फॉरेंसिक साइंस में जैसे फिंगर प्रिंटिंग और अदर, इसको इसने काफ़ी ज़्यादा एडवांस किया है। DNA में जो क्राइम करता है बंदा, उसके आई का, हेयर का, स्किन कलर का, अलग अलग जीन्स तक भी हम पहुँचे हैं। और इसके लिमिटेशंस क्या हैं? जीनोम प्रोजेक्ट चाहे है, बट ये हमारे 100% जीन को स्टडी नहीं कर पाया। ओनली 92% जीन, डेट इज़ द यूक्रोमेटिक क्रोमोसोम, एक्टिव क्रोमोसोम ही हम देख सकते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन, जो सेंट्रोमियर और टीलोमेर के हैं, हम उसको नहीं देख सकते। और आगे इसमें देखें कैसे काम करता है। ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम, उसमें डीएनए, डीएनए एंड जीन्स, उसको सभी को स्टडी करना इसके अंडर आता है। नेक्स्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ से देख सकते हो। ये NCERT की बुक है, +2 बायोलॉजी की। और सिक्वेंसिंग जो कॉस्ट है, इसमें $3 है पर बेस पेयर, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, और अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन इसमें खर्च हो चुके हैं। फर्दर ब्रोटीन सीक्वेंस, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया, और ये बायो इन्फॉर्मेटिक बनाता है। और इसके जो मेथडोलॉजीज हैं, जो इसके मेथड्स हैं, दो इसमें हैं। वन अप्रोच इज द फोकस आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन एक्सप्रेस एज RNA, जो सभी जीन को स्टडी करता है, उसका ये फर्स्ट मेथड है। इसको कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, EST। जो अदर है, लुक द ब्लाइंड अप्रोच, सिंपली सीक्वेंसिंग द होल ऑफ सेट ऑफ जीनोम, ऑब्टेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन ऑफ सीक्वेंस एंड फंक्शन एज द एंटोनेशन। तो स्टडी करना एक पर्टिकुलर करता है और एक सभी को। फॉर सीक्वेंसिंग, टोटल DNA ऑफ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इंटू रैंडम फ्रेगमेंट एंड रिलेटिवली स्मॉलर साइज, छोटे साइज बन जाते हैं। टेक्निकल लिमिटेशंस जो हैं काफ़ी हैं इसमें। एंड क्लोन्ड ए सुटेबल होस्ट स्पेसिफाइड वेक्टर, उसमें डाल दिया जाता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था, इसमें यैक एंड वैक का यूज़ किया जाता है। उससे हम कोई पर्टिकुलर जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका इफेक्ट देख सकते हैं कि वो कौन सी प्रोटीन बना रहा है ह्यूमन का जीन निकाल के, और इसमें PCR से भी हम जीन को एडवांस कर सकते हैं। तो इसका देख सकते हो यहाँ पे, ये ह्यूमन बीइंग है, इसका सेल है, सेल का क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में DNA, फिर इसको एनालाइज करके कंप्यूटराइज नेट पे डाटा चला है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो इसको जेम्स वाटसन ने शुरू किया था, ये साइंटिस्ट था, ये आप याद रख सकते हो। और भी काफ़ी साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे थे। और कैसा लगा वीडियो मुझे प्लीज़ बताना, और इसमें कोई कमी रह गई है प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।